हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लड़ीवाल टीवी। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो मैं एल्टीग्रेड से रिलेटेड और आरपीएससी का जो सिलेबस डाल रही हूँ, सबको आपको वीडियो अवेलेबल हो पाए। तो आज हम करेंगे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की दो पोएम है सिलेबस में, एक तो लावेली डेम्स एंड मर्सी और द ग्रेशियन अर्न, और टू अ ग्रेशियन अर्न। तो आज हम ग्रेशियन अर्न करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स का बर्थ जो हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था लंदन में। उनकी डेथ हुई थी रोम में 23 फरवरी 1821। इन 1870 कम टू द फर्स्ट वॉल्यूम, उनका फर्स्ट वॉल्यूम आया था पोइम्स। 1819 ईयर्स ऑफ इस ओड, ओड्स के लिए जाना जाता था इनका ये ईयर। ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइट एंगल, ओड टू ऑटम, ओड टू सिक, और एपिटाफ ऑफ दिस ग्रेव। एपिटाफ उनकी, एपिटाफ वो होता है जो कि ग्रेव्स वगैरह के ऊपर जो लाइनें लिखी होती हैं उसे बोलते हैं। तो उनका एपिटाफ था, हियर लाइज ऑन हुज नेम वाज रिटन राइट इन वाटर। और जो सारा वर्क था कीट का, वो पब्लिश हुआ था सिर्फ 3 साल में, 1817 से 1820 तक का। तो द स्टार्ट ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ये पोएम जो है 1819 में लिखी गई थी और 1820 में पब्लिश हुई थी। पब्लिश इन ए मैगजीन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, ये उस मैगजीन की पोएम नंबर 15, नंबर 15 था। दिस पोएम वन ऑफ द सेवरल ग्रेट ओड्स ऑफ कीट्स इन 1890, मतलब 1819 में उसके काफ़ी सारे ओड आए थे, तो उन ओड्स में ये एक ओड था। और ये पोएम इंस्पायर्ड है बेंजामिन हाइडमन के टू आर्टिकल से। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। ओड टू ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ग्रेशियन अर्न यानी ग्रीक, ग्रीक जो कलश होता है उसको बोलते हैं। दो स्टिल अनरेविश्ड ब्रोक ऑफ द क्वाइटनेस, दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वन हिस्टोरियन टू कैंस्ट दस एक्सप्रेस, ए फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, व्हाट लीफ-फ्रिंगर्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शेप ऑफ डीटीज और मॉर्टल्स और बोथ, इन टेम्पे और डेल्स ऑफ आर्केडी, व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लोथ, व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एकेस्टी। तो देखिए, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइट एंड ऑफ क्वाइटनेस, वो कहता है ये जो कलश है, जो कलश है वो एक कुंवारी दुल्हन के समान है, जो कि दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस इन स्लो टाइम, या फिर एक फॉस्टर चाइल्ड गोद लिए बच्चे के समान है जो एकदम शांत है। सेलियन हिस्टोरियन सेयन स्टोरियन हु कैन नॉट डस एक्सप्रेस ए फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर आवर राइम, मतलब ये जो है वो एक, मतलब स्टोरियन जैसा है, और ये जो इसकी जो ऊपर पिक्चर है, कैन डस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल, यानी कि जो इसके ऊपर चित्र अंकित हैं वो किसी राइम से यानी किसी कविता से बेहतर हैं। व्हाट लीव फ्रिंगल्ड लीजेंड हॉर्न्स अबाउट द शेप ऑफ डीटीज ऑफ मॉर्टल्स, और जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से उलझी हुई हैं उन मॉर्टल्स के ऊपर और वो दोनों के ऊपर, इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ और एकेडे आर्केडे। वो कहता है ये क्या टेम्पे घाटी का सीन है या फिर आर्केडी, टेम्पे कैसल में जो है वैली उसको बोलते हैं, और आर्केडी जो था वो एक इमेजिनेटरी प्लेस है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। व्हाट मैंस और गॉड्स आर दीज, वो कहता है कि ये देवता हैं या मनुष्य हैं जो उसके कलश पे अंकित हैं। व्हाट मेडनेस लोथ, मतलब व्हाट मेडनेस लॉथ यानी कि ये जो स्त्री है उसमें कोई स्त्री होगी, तो जो स्त्री है वो बचने की कोशिश कर रही है अपने प्रेमी से, तो वो क्यों कर रही है पूछा जा रहा है क्वेश्चन। व्हाट मैड परस्यूट, ये प्रेमी क्यों पागल है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, ये बचने उनका आपस में बचने का स्ट्रगल क्यों हो रहा है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, और ये जो संगीतकार है अपने वाद्य यंत्र को बजाए जा रहे हैं। व्हाट वाइल्ड एकेस्टी, कितना आनंद पूर्वक दृश्य है ये, मतलब एक कलश है, कलश के ऊपर ये सारी जो आकृतियां छपी हुई हैं उसको देख के जो पोइट है वो कहता है कि ये स्त्री कौन है, ये जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं लोग, और उसमें जो पेड़ पत्तियां हैं वो टेम्पे और आर्केडी से कंपेयर करके कह रहा है कि कहीं ये इनका दृश्य तो नहीं, और उस दृश्य को उसको बहुत आनंददायक दृश्य लग रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर,
देयरफॉर वो कहता है हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो मेलोडी सुनी जा सकती है वो स्वीट होती है, लेकिन जो नहीं सुनी जा रही वो ज्यादा स्वीट है, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन से उनका मीनिंग निकालते हैं और ज्यादा हम महसूस करते हैं। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, इसलिए ये जो मेलोडीज हैं ये हमेशा बसती रहेंगी, नॉट टू सेंशुअल ईयर, ये हमारे कानों को सुनाई नहीं देंगी, बट मोर एंडर्ड पाइप टू द स्प्रिट डीटीज ऑफ नो टोन, लेकिन ये जो सुनाई नहीं देंगी लेकिन वो हमेशा हमेशा लोग इसका आनंद उठाते रहेंगे। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दो कैंस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग फॉर नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर, और जो यूथ है जो कि युवक है जो इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, इस पेड़ की पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट डो किस, और ये जो पागल प्रेमी साहसी प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका को कभी किस नहीं कर पाएगा। दो विनिंग नियर द गुड गोल यट, लेकिन वो कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएगा लेकिन हमेशा उसके करीब रहेगा। डू नॉट ग्रीव, लेकिन उसे इसका कोई दुख नहीं है। शी कैन नॉट प्रे दो हैज नो दाई नो ब्लिश, वो कभी भी मतलब फेड यानी कि उसकी सुंदरता जो उसकी प्रेमिका की सुंदरता कभी कम नहीं होगी और वो उसका जो चेहरे की चमक है वो सदा रहेगी। फॉर एवर विद दियो लव एंड शी बी फेयर, वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी और उनका जो प्रेम है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये चित्र स्थाई है तो इसलिए कभी जो चीजें कभी नहीं बदलेंगी। नेक्स्ट है आ हैप्पी हैप्पी बुक्स दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एट यू, वो कहता है कितने खुशनसीब है ये टहनियाँ ये पेड़, इनकी जो पत्तियां हैं वो कभी नहीं जाएंगी क्योंकि इनका बसंत स्थाई है। अ हैप्पी मेलोडीज अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और ये संगीतकार कितने मेलोडिस्ट यानी संगीतकार कितने खुश मतलब खुशनसीब हैं, उनका संगीत कभी पुराना नहीं होगा, वो हमेशा उसमें नयापन बना रहेगा। फॉर हैप्पी लव मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वॉर्म एंड स्टिल नो बी टू बी इंजॉयड फॉर एवर पेंटिंग, और वो कहता है ये प्रेम कितना भाग्यशाली है लकी है कि वो हमेशा अपने प्रेम को एंजॉय करते रहेंगे, उनका प्रेम कभी भी पुराना नहीं होगा मतलब उसमें से आकर्षण कभी नहीं जाएगा, एंड फॉर एवर यंग हमेशा जवान रहेगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर लव एवव, वो जो मानव के प्रेम है उससे बहुत ज्यादा एवव है। दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लोड, वो कहता है जब मानव प्रेम जब का अंत होता है तो क्या रह जाता है, एक बर्निंग फॉरहेड एंड ए पार्चिंग, और एक मतलब जो जब मानव का प्रेम खत्म होता है मतलब जो पार्चिंग टंग रह जाती है यानी सूखी हुई जीव यानी कि मानव का प्रेम जब खत्म होता है तब केवल दुख और निराशा रह जाती है, लेकिन इनका प्रेम हमेशा विद्यमान रहेगा कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा जवान रहेगा। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस ऑफ वॉट ग्रीन अल्टर, ये लोग कौन है जो सेक्रीफाइस करने आ रहे हैं इस हरी जगह को ले जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग एक बीस्ट को लेके सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे हैं गाय को लेके, वो मिस्टीरियस प्रीस्ट, और ये पादरी कौन है, रहस्यमय पादरी, लीड्स दो दैट हीफर्ड लोइंग एट द स्काई, जो एक गाय को ले जा रहे हैं, गाय आकाश की तरफ देख के क्या कर रही है, रमा रही है। एंड ऑल आर सिल्कन फ्लैंक्स द गार्लैंड्स डस्ट, और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाला हुआ है और मालाएं सजा रखी हैं। व्हाट लिटिल टॉरी बाय रिवर और सी शोर, ये सी शोर यानी कि जो समुद्री किनारे के पास ये छोटा सा टाउन है, और मेडन बिल्ट विद अ पीसफुल किटाडल, किटाडल यानी कि किला, और ये जो किला है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है यानी कि उसको खतरे का कभी डर नहीं, आक्रमण नहीं होगा उस पे। इज एम्प्टी फॉर दिस फॉक, सब लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं। दिस पायोस मॉन, इस पायोस यानी कि पवित्र सुबह में, एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और ये छोटा नगर है वो हमेशा उसकी सड़कें हमेशा साइलेंट हो जाएंगी। एंड नॉट टू शोल टू टेल वाई दो आर डिजोलेट, कोई वहां नहीं बचेगा बताने के लिए कि ये एकांत क्यों है, एकाकी क्यों है। एवर कैन एवर रिटर्न, क्योंकि वो लोग कभी वापस नहीं जाएंगे क्योंकि ये चित्र है और वो लोग स्थायी रूप से वहीं रह गए हैं। नेक्स्ट है ओ एटिक शेप, एटिक शेप यानी ओ ग्रीक आकृति से बने हुए कलश, फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडनेस ओवर रोट विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द टोडन वीट, तुम्हारे ऊपर ये मनुष्य बने हुए हैं, फूल पत्ती बने हुए हैं, फॉरेस्ट बने हुए हैं, टोडन वुड यानी पगडंडियां हैं, घास की दबी हुई पगडंडियां हैं। दो साइलेंट फ्रॉम डॉस टीज अस द थॉट ऑफ डोथ एटर्निटी, और तुम हमें सिखाते हो टीज अस यानी सिखाते हो थॉट ऑफ डोथ एटर्निटी यानी कि तुम हमें संयम रखना सिखाते हो मृत्यु से बढ़कर एटर्निटी यानी कि एक परम चीज को सिखाते हो। कोल्ड पेस्ट्रल तो हमेशा शांत रहते हो। व्हेन ओल्ड एज शैल द जनरेशन वेस्ट, जब पुरानी जनरेशन खत्म हो जाएगी
दो शैल रिमेन इन मिडस्ट ऑफ अदर वो, और जब पुराने दो शैल रिमेन इन मिस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स, नए प्रकार के सुख दुख आएंगे। अ फ्रेंड अ मैन टू हुम दो से, एक व्यक्ति और एक मित्र हमेशा तुम्हें ये बात कह के सीख देगा, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, दैट्स ऑल, यही जानने वाली बात है, ये नो ऑन अर्थ दैट ऑल वी नीड टू नो, पृथ्वी पर हमें केवल यही जानना चाहिए, तो ब्यूटी इज ट्रुथ और ट्रुथ इज ब्यूटी, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो गाइज आज मैंने कंप्लीट करी ओड टू द ग्रेशियन अर्न की टेक्स्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।